स्थिति फाल्के। हमने कल के वीडियो में पर, के ऊपर, के नीचे, इन शब्दों से वाक्य बनाना सीखे थे। आज हम सीखेंगे मैं, तुम, आप, इन शब्दों का यूज करके, इनका उपयोग करके हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम में दिया है मैं खाती हूँ, तो इधर क्या है, तुम खाती हो। जब हम अपने आप के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं, और किसी और के लिए क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, तुम, या फिर हमसे बड़ी व्यक्ति हो तो हम क्या कहते हैं, आप। बराबर वाले के लिए तुम, हमसे बड़े हैं तो उनके लिए आप, ऐसे यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा है मैं खाती हूँ, तुम खाती हो, तो इधर आएगा आप खाती है। अभी उसी तरह से यहाँ पे दिया है मैं गाती हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे तुम गाती हो, आप गाती है। यहाँ पे है मैं लिखती हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे तुम लिखती हो, यहाँ आएगा आप लिखती है। मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम पढ़ती हो, यहाँ आएगा आप पढ़ती है। जब भी हम एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए या फिर हमसे बड़े व्यक्ति के लिए वर्ड बनाते हैं या फिर सेंटेंस बनाते हैं, तो हम उसमें है के ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी है में अनुस्वार आएगा। मैं गिरती हूँ, तो यहाँ पर आएगा तुम गिरती हो, आप गिरती है। मैं उठती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम उठती हो, आप उठती। फिर यहाँ पे मैं जाती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम जाती हो, और यहाँ आएगा आप जाती है। मैं देखती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम देखती हो, और यहाँ आएगा आप देखती है। मैं आती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम आती हो, आप आती है, यहाँ है तुम। यहाँ पर है मैं कहती हूँ, तो यहाँ आएगा तुम कहती। मैं कहती हूँ, तो यहाँ है तुम कहती हो, और यहाँ पर हम लिखेंगे आप कहती है। आपको अभी ये समझ में आया, मैं, तुम, आप, इनका फर्क आपको अभी समझ में आ गया होगा, हमने इतने सारे वाक्य लिखे। तो अभी उसके बाद है, ये वाक्य लड़के के विषय में है, इनको लड़की के विषय में लिखिए। तो ये लड़के के लिए लिखे गए वाक्य हैं, आप हमें इधर लड़की के लिए बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है मैं चलता हूँ, तो इधर लिखा है मैं चलती हूँ, यहाँ है तुम पढ़ते हो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तुम पढ़ती हो। तो यहाँ पे आप आते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे आप आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमसे बड़े व्यक्ति के लिए हम जब भी है लिखते हैं तो उसके है के ऊपर अनुस्वार आता है। तुम खेलते हो, तो यहाँ आएगा तुम खेलती
तुम खेलते हो, तुम खेलती हो। आपको इसी तरह से ये सभी वाक्य अपनी वर्कबुक में और नोटबुक में लिखना है। लड़के के लिए इस तरह से लिखते हैं और लड़की के लिए इस तरह से लिखते हैं।